अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में बिजली के मसाइल के हल के लिए बड़ा इकदाम। गवादर में घरेलू सार्फीन को सोलर पैनल देने का ऐलान। कहा बलोचिस्तान के लोगों को सहूलियात की फरहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा। महाना 1 लाख रुपये तनख्वाह पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। महंगाई की शरह 11.5% पर लाई जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। कहा आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम ना हुई तो हमें भी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। डी चौक पर बदनज़मी का जिम्मेदार इमरान खान करार। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 17 रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भारत के साथ तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी की करारदाद मंजूर। बीजेपी के रहनुमाओं के गुस्तखाना बयानात काबिले मजम्मत हैं। करारदाद में भारतीय मसनूआत के मुकम्मल बायकॉट का भी मुतालबा। अब्दुल्ला शहगाजी के मज़ार के अहाते में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में आमिर लियाकत के चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। Laundry is no longer a hassle. Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Canada में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड शकील आलम को 416-727-1624 पर जरूर राब्ता कीजिए। वज़ीर आज़म का कहना था कि घरेलू सार्फीन को सोलर पैनल्स की फराहमी वफाकी हुकूमत का गवादर के लोगों को तोहफा होगा। इस हवाले से 10 दिन के अंदर लायहा अमल पेश किया जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गवादर में बिजली की फराहमी के लिए फौरी तौर पर ऑफ ग्रेड निज़ाम का भी जामे लायहा अमल बनाया जाए। गवादर में ऑफ शोर और इन शोर विंड पावर मनसूबों के लिए भी हिकमत अमली बनाई जाए और जुनूबी बलूचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइंस के काम में तेजी लाकर इसे रवां साल दिसंबर में मुकम्मल किया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मंसूबों की तकमील में देर किसी कदर काबिले कबूल नहीं। मुतालिका महकमे यकीनी बनाए कि तवील मुद्दती मंसूबों में भी वक्त और लागत में जिस कदर हो सके कमी लाई जाए। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वह आवाम के पैसे की बचत करे और उसका सही इस्तेमाल यकीनी बनाए। गवादर बंदरगाह को दुनिया की जदीद तरीन बंदरगाह बनाने के लिए बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। गवादर के लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी काबीना ने आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा अशराफिया पर टैक्स और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नए माली साल का बजट आज पेश किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें बजट तजावीज़ पेश की गई। इजलास में काबीना ने आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल 2022-2023 की मंजूरी दे दी। मुसविदे के मुताबिक अगले माली साल तनख्वाहदार तबके के लिए महाना 1 लाख रुपए तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं होगा। महंगाई की शरह 11.5% पर लाई जाएगी। 1600 cc से बड़ी गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है। बजट दस्तावेज के मुताबिक वफाकी काबीना और सरकारी अहलकारों की पेट्रोल की हद को 40% कम किया जाएगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक हुकूमती खर्च पर लाजमी बैरूनी दौरों के अलावा तमाम दौरों पर पाबंदी होगी। आइंदा माली साल मौशी शरह नमू का हदफ 5% रखा गया है। GDP को 67 खरब से बढ़ाकर 78.3 खरब तक पहुँचाया जाएगा।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर आलमी सतह पर कीमतें कम ना हुई तो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे का अंदिया दे दिया है। बजट इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, अगर आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम ना हुई तो हमें भी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस वक्त पेट्रोल पर 9 रुपये फ़ी लीटर और डीजल पर 28 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी है। ये सब्सिडी नहीं बल्कि कर्ज बढ़ रहा है। वक्त के साथ ये कीमतें एडजस्ट करनी पड़ेंगी या बढ़ानी पड़ेंगी। साबिक वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि बजट में जितना मुमकिन हो सका रिलीफ देंगे, तेल की जो कीमतें खरीद है उसी पर बेचना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से मुतालिक केस में आईजी इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आईजी इस्लामाबाद की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहरीन को रेड जोन में दाखिल होने के लिए चेयरमैन पीटीआई ने हिदायत दी। रिपोर्ट में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद मुजाहरीन रेड जोन में दाखिल हुए। चेयरमैन पीटीआई की वीडियो पैगाम में कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहा गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 700 से 800 मुजाहरीन रेड जोन में दाखिल हुए। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुजाहरीन को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। मुजाहरीन ने कंटेनर्स और दीगर रुकावटें हटाई। फवाद चौधरी, जरताज कुल, सैफुल्ला न्याजी और इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमा इश्तियाल दिलाते रहे, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद H9 ग्राउंड नहीं गए। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 17 रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान दिए जाने पर मजम्मती करारदाद मंजूर करते हुए भारत से हर किस्म की तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। सूबाई असेंबली में मंजूर होने वाली करारदाद के मतन में कहा गया है कि भारतीय हुक्मरान जमात BJP के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयान काबिल मजम्मत है, जिस पर भारतीय सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। साथ ही भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिए जाएं। करारदाद में कहा गया कि नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस हमारे ईमान का लाजमी जुज़ है, लिहाजा नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में किसी किस्म की गुस्ताखी कबूल करने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। करारदाद में भारतीय मसनूआत के मुकम्मल बायकॉट का भी मुतालबा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर जाने वाले रुकने कौमी असम्बली और मारूफ TV एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर जाने वाले रुकन कौमी असम्बली और मारूफ TV एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आमिर लियाकत की नमाज जनाजा उनके बेटे अहमद ने पढ़ाई। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में आमिर लियाकत के चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तूबा अनवर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर करते हुए आमिर लियाकत की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया और लिखा कि अपनी ज़िंदगी के दौरान आमिर लियाकत ने बहुत सी जिंदगियों को मुतासिर किया। मेरी दुआ है कि आमिर लियाकत हुसैन की आगे की जिंदगी आसान हो। पुलिस हुक्काम का कहना था कि आमिर लियाकत हुसैन की मैयत एक मामा बन चुकी है। यह हाई प्रोफाइल केस है और पुलिस ने इस हवाले से मज़ीद तहकीकात करनी है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।